बताओ तो सही, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इंतजार करो, इट्स अ सीक्रेट। कम 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 कम, बताओ ना। वाह, ये कितना खूबसूरत है। हम यहाँ क्यों आए हैं? कितना खूबसूरत है ना। दिस प्लेस इज गॉर्जियस। पसंद आया तुम्हें? ये देखो। यू लाइक इट? बिलाल, मुझे डर लग रहा है। बिलाल, बिलाल कहाँ चले गए तुम? तुम जानते हो ना मुझे डर लग रहा है। रुखसार शेख, मुझसे शादी करोगी? I feel like a queen today. Queen भी आ रही है हमारी शादी पर। I've booked this entire place for our reception. उस हॉल में म्यूजिकल प्रोग्राम होगा, उस खूबसूरत हॉल में हमारा निकाह होगा। शहर के सभी इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, द मेयर, एमपीज, बिजनेसमैन और क्वीन भी। ये इस शहर की सबसे बड़ी शादी होगी। ओह, आई लव यू। आई लव यू टू। प्लीज बिलाल, ऐसा मत करो। तुम जानते हो ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। बिलाल, मुझे डर लग रहा है। तुम बस अपनी शरारतें मत छोड़ना। चलो, यहाँ मुझे डर लग रहा है। लेट्स गो। सॉरी जान, में टॉर्च लेने चला गया। गुस्ताखी माफ, हम निकाह का वेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। कराची में करवा लो। अब्बू जान, आप नाखून छोड़ें और लड्डू खाएं। लगता है पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्वीन हमारी शादी पर आ रही है। लोग क्या कहेंगे कि क्वीन एक भूत से डर गई और हमने भी भूत से डर कर वेन्यू चेंज कर दिया। सोच लो सोच लो, बाद में माफी मांगते फिरोगे। प्लीज फूफा जी। सर, द क्वींस एडवाइजर आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्वींस एडवाइजर? मिस्टर चौधरी, मैं रिचर्ड बख्शी, पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू हर हाइनेस द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। मिस्टर चौधरी, क्वीन बहुत ही कम किसी की शादी में जाती है, एंड इट वाज योर गुड लक कि उन्होंने आपके रिसेप्शन पे आना एक्सेप्ट किया। टीवी और न्यूज़पेपर्स में भी आ चुका है कि क्वीन आपके रिसेप्शन में यहाँ पे आ रही है। बॉटम लाइन ये है कि अब आप भाग नहीं सकते। डोंट वरी मिस्टर बख्शी, हम सब संभाल लेंगे। वैसे आपके पास और कोई चॉइस है भी नहीं। मुश्ताक सर, शहर के टॉप गोस्टबस्टर्स को पकड़ कर लाओ। गोस्टबस्टर्स? ओहो, भूत पकड़ने वाले यार। आइए आपको बताएं आज की सबसे गर्म खबर। बिलाल की शादी खतरे में है, इसलिए उन्होंने शहर के सबसे बड़े घोस्ट हंटिंग टीम को बुलाया है। आइए देखते हैं जैक की हंटिंग टीम क्या कमाल दिखाती है। मिस्टर जैक, कुछ बताइए। ओके, ये बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम भूत को 5 मिनट में पकड़ लेंगे। हा, 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 चलो। क्या आप डिटेल में बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है? क्या आप उस खतरनाक भूत को पकड़ने में सफल होंगे? 5, 4,
3, 2, 1. भागो 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 भागो। जैक, ये किसने किया आपके साथ? वो बहुत खतरनाक है, मैं कह रहा हूँ वो घोस्ट बहुत ही डेंजरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वीन को यहाँ पर नहीं आना चाहिए और उन्हें ये वेडिंग कैंसिल कर देनी चाहिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ कैंसिल कर दो वेडिंग। इस बार चौधरी परिवार ने भूत भगाने वाले को हायर किया है। नाइजीरिया, क्या आप सोच सकते हैं नाइजीरिया? आइए देखते हैं कि क्या ये भूत को भगा पाएगा। फाइव फोर थ्री टू वन। गोरा, काला, चीनी, उसने सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। अब पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, आप भी कहो। सर, दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे बहादुर है और वो है सरदार। वो इतने फियरलेस हैं कि दुनिया की किसी भी चीज से नहीं डरते। भूत चुड़ैलों से भी नहीं? भूत चुड़ैलों से तो बिल्कुल भी नहीं सर। मरेगा वो सरदार। उन्हें एक चीज सबसे प्यारी है, वो है इज्जत। अकड़ कम हो गई या खत्म हो गई? अंदर मामला खतरनाक चल रहा है वो सरदार। जी सरदार जी, तू जबान संभाल। इस तरह के मामले तो मैं बचपन से संभाल रहा हूँ। इतनी सी बात मैं बचपन से समझाता आ रहा हूँ, पर तुम्हारी तो समझ में नहीं आती। हाँ भाई, क्या नाम है? जी जग्गी। रोल नंबर 18। हाँ जी सर। रोल नंबर 19। अरे सरदार, कहाँ मर गया? क्यों रे, मैं तेरा नाम बुला रहा हूँ, माँ बाप गए तो क्या साथ में जुबान भी ले गए क्या? प्यार से समझा रहा हूँ, मुझे तंग करना छोड़ दो। हम तो करेंगे, तू क्या कर लेगा सरदार? सरदार के साथ जी जरूर लगाना चाहिए। जी सरदार जी। बदामों जैसा रंग, आंखें भूरी भूरी, आंखों खुदा खैर करता। यारों का मैं यार करूं सबसे ही प्यार, ना किसी से डरता। विरले ही जग में है आंखों से जो करते शिकार जी। ऐसे ही तो नहीं हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। ऐसे ही तो नहीं हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। चले है जवान आज कैसी मस्ती, करे है जमाना देखो बात इसकी। चले है जवान आज कैसी मस्ती, करे है जमाना देखो बात इसकी। बस दूर ये पुराना हमें आए है लौटाना, रखे ना उधार जी। ऐसे ही तो नहीं हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। ऐसे ही तो नहीं हमें सब कहते हैं यहाँ सरदार जी। दिखा के छाती पहलवान सी, शानदार पग
ही कोई कर सकता है बात आर पार की। ऐसे ही तो नहीं हमें सब कहते हैं यहाँ सरदारी। ऐसे ही तो नहीं हमें सब कहते हैं यहाँ सरदारी। ऐसे ही तो नहीं हमें सब कहते हैं यहाँ सरदारी। जग्गी भाई साहब, आप मेरा एक काम करेंगे? बस बस बस, सिर्फ एक काम, बड़ा भाई बनके कर दे, मैं पूरी भूत योनी में तुझे याद रखूंगा, कसम से भाई। उस्ताद, अब तो सपना भी खत्म हो गया, उठ जाओ, कुछ काम धाम कर लें। घंटी सुनाई दे रही है? हाँ। जाओ उठा ले फिर। ठीक है। हेलो हेलो, जग्गी भूत भगाने वाला बोल रहा है? उस्ताद तो बिजी हैं, आप काम बताओ। भूत निकालना है और क्या तुमसे पत्थर तोड़वाएंगे? अबे यार, भूत निकालने के लिए तो बैठे हैं और हम क्या यहाँ पे फालतू बैठे हैं? तू एड्रेस बता। आदर्श पब्लिक स्कूल। कौन सा स्कूल? Good morning guys, good morning. Get your ass up, get your ass up. उठो, सुबह हो गई। Good morning जग्गी जी। Good morning. नमस्ते जग्गी जी। हे नमस्ते, good morning. चलो भी चलो उठो। ओ जग्गी। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार कर। जितने मर्जी गाने गा लो जग्गी जी, कोई रानी चुड़ैल नहीं मिलेगी। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जग्गी। क्या बात सरपंचनी, रात सुना बहुत परेशान रही, चिल्ला भी रही थी, आपका अब मन नहीं लग रहा इस बोतल में? हाँ रे जग्गी, क्या बताऊं, सारी रात सरपंच के ख्यालों में निकल जाती है, पता नहीं उसे मेरी याद आती होगी या नहीं। पंचनी, आपके गांव में पंच सेक्रेटरी औरत है क्या? हाँ, एक है तो सही, दूरी गांव से आती है। वही वही, वो मलेरकोटले के पास पुराने बस अड्डे के पास कौन सा होटल है? रौनक। रौनक, वही रौनक लगाई होती है उन्होंने, एक दूसरे के मुँह से मुँह लगा रहे होते दोनों। अरे सरपंच, ये क्या किया तूने? तुम्हें तो काफी पता है होटलों के बारे में, चोटी भी बड़ी कस के बांध रखी है आज तो। आपने भी मेरी सुंदर चोटी की तरफ ध्यान तो दिया, ये बताओ बस अब नीली पगड़ी कब बांध रही है जनाब ने? बढ़िया है नीली पगड़ी वाली। जग्गी तुम मेरी बात सुन, तुम ना सिर्फ हरी पगड़ी बांधा करो, जब तुम हरी पगड़ी बांधते हो ना तो जान निकाल लेते हो। ना मैं तुझे हरी बोतल में शिफ्ट कर दूं, मेरी रंगीन भूत। इंकलाब जिंदाबाद बहनों और भाइयों, औरतों को जो हक मिलने चाहिए थे वो अभी तक मिले नहीं। औरत को आज भी कपड़े धोने वाली और बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है। देश से गोरे तो चले गए। जग्गी जी मेरी बात पर गौर कीजिएगा। हाँ जी हाँ जी। देश से गोरे तो चले गए पर औरत को अभी भी मर्द का गुलाम समझा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप कुछ कहते कि मैंने आपको क्यों पकड़ा? ओ जग्गी, ओ जग्गी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रीतम जी आप कहिए। ओ जग्गी, कभी हमारा भी हाल चाल पूछ लिया कर यार, इतना बुरा तो लुधियाना स्टेशन पर बैठे भिखारियों के साथ भी नहीं होता, उन्हें भी कोई ना कोई भीख दे ही देता है। बताओ प्रीतम जी। अरे जग्गी यार, मुझे दो दिन की छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी को क्या मैंने धागा मिल को लिया? यार तू तो नाराज हो गया। बात ही आप नाराजगी वाली करते हो प्रीतम जी। उस्ताद जी, अच्छी। अरे देख के चल। उस्ताद जी, एक काम आया है। How much I told you? Sunday no work. Today I'm holiday. उस्ताद, कर लो हिम्मत, क्या पता तुम्हें कोई रानी चुड़ैल मिल जाए।
ऐसी बातें करके जज्बाती कर देता तू मुझे। क्या पता शायद मेरी बात बन जाए। रब किस्मत चमकाते समय संडे मंडे थोड़ी दिखता है। तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? तो चल जा, गाड़ी निकाल। ठीक है उस्ताद। जग्गी मेरी बात सुन, तुझे कोई रानी वानी चुड़ैल नहीं मिलेगी। तू एक काम कर, मुझे ही डाल ले अपनी बड़ी बोतल में। प्रीति जी, पंखे से लटके फांसी लगाने से रानी चुड़ैल वाली बोतल नहीं मिलेगी। मेरा इंतजार करना, बारात लेके आऊंगा आऊंगा। क्या? ओ भाई, भूत पकड़ने आया, कोई लाठी वाठी तो ले आता। भोले बेचारे। अरे भूत भगाने के लिए इन चीजों की जरूरत मर्दाना भूतों के लिए पड़ती है, रिस्पेक्टेड लेडी भूतों के लिए नहीं। मुझे लगता है किसी सियाने आदमी से पहले इसका इलाज कराना पड़ेगा। जग्गी भाई साहब, फूल से काम नहीं चलेगा यहाँ। 3-4 साल पहले अमरीक सिंह मास्टर मरे थे, मुझे तो लगता है उन्हीं का भूत है ये। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरा संडे खराब कर दिया यार। आज मैंने नहाना धोना था। अरे स्कूल तो मुझे शनिवार से सोमवार कभी अच्छा नहीं लगा, और तूने मुझे संडे को बुला लिया यार। तुमने तो कहा था यहाँ पे लेडी गुस्त। अरे इन सबने बताया नहीं उस्ताद जी। ओ भूत हो या चुड़ैल, बात तो एक ही है। अरे तुम्हारे लिए होगी एक बात, अब कल को तू कहेगा कि फिल्म वाले सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी दोनों भाई बहन है, ये तो मौत के बराबर हो गया। तो पेमेंट पकड़, मैं पकड़ता हूँ भूत। लो उस्ताद, निकाल दो कांटा। अरे 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 पीछे कहाँ जा रहा हो? अरे तू क्या उसके पीछे पीछे लड्डू लेने जा रहा है? ये प्रोग्राम तो आज तक मैंने नहीं देखा, तू कैसे देख सकता है? चल वापस आ। डफर। अरे डफर मत समझना, तीसरे दर्जे से 12वीं पास किया जग्गी ने। अगर नहीं यकीन आता तो देख लो मेरा इससे। आई लव एनिमल्स, माय फेवरेट एनिमल इज काओ। माय काओ का कच्चा नेम टेडी मेडी, पक्का नेम बलैतन। सुधर जाओ, सुधर जा। इस तरह के घटिया ऐसे लिखने वाले को कभी मैंने 2 नंबर से ज्यादा नहीं दिए। अब बड़ी ना बात मास्टर जी, अब सुनो अब मेरा पूरा इससे। टेडी मेडी हैज ए खड़ी हैव लगभग 4 legs एंड नो टेल। मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी की ना तो मैं जूते मारता हूँ। ये लगभग 4 legs का क्या मतलब? टांगे गिन रहा था, उपले गिन रहा था। चल एक मिनट मान लिया गाय की पूछ नहीं है, तो तू क्या उसकी पूछ लगा के नहीं लिख सका? अगर खुद ढंग का नहीं है तो कम से कम लेख तो सुंदर लिख। ओके, आई टेक लेटन टू प्ले ग्राउंड, ही ईट ग्रास पे ग्रास, और फिर मैं प्ले रम्मी पे रम्मी। अरे ना समझ, काव ही नहीं होती, शी होती है। अरे ज्यादा मत बोलिए, हमारे बापू ने ही की तरह ही काव पा लिया, हम तो ही लिखेंगे। एंड द स्पेशलिटीज, इट गेव 52 किलो सफेद सफेद दूध डेली। ऐसी तेरी कौन सी गाय माता जो 52 किलो दूध देती है? वो क्या बेर का भूत पर लगी है, जहाँ से दूध के पैकेट उठा उठा कर लोगों को पकड़ाती जा रही है? आप अंग्रेजी में नुक्स निकाल के हमारे कारोबार में दखल मत दो। 25 का 52 किलो बनाना पड़ता, वरना बचता कुछ नहीं है। अगर बच्चों को गाढ़ा दूध पिला दिया तो उनको लूज प्रमोशन लग जाएंगे। और माई काओ के ऐसे ऐसे विश्वास उठ गया माँ बाप का। वो फिटे में उन बच्चों के जिन्हें गाढ़े दूध से दस्त लग जाते हैं। आपको तो कभी दूध से दस्त लगे ना, नहीं? मुझे कब्ज नहीं रहती है। ये तो और भी गंदी बात है। अगर मुझे कब्ज रहती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरा जिला संगरूर। संगरूर वालों को बीच में मत लाओ मास्टर, आई लव संगरूर। कसूर आपका ये है कि आपने सरदार जी का संडे खराब कर दिया। कैसा बेटे, ये क्या कर दिया? अरे तूने गजब कर दिया, मास्टर अमरीक सिंह को बोतल में बंद कर दिया। बेटा तुझसे कोई गलती हुई है, मुझे बाहर निकाल। मैंने तो अब तक पंजाब की सेवा की है। सेवा आपने पंजाब की नहीं की, पंजाब के बच्चों की है मार मार के। आजा लगाता हूँ तेरी पेंशन। बड़ा मास्टर बना फिरता है। अरे पकड़ लिया, लो भी निपटा दिया आपका काम, मजे करो मजे। इतनी जल्दी पकड़ भी लिया तूने मास्टर का भूत? मैंने कौन सा बोर खोदना था जो वहाँ पर पूरा दिन लग जाता। फालतू में बैठा था वो, मैंने पकड़ के बोतल में डाल दिया। पागल समझ रखा है, हमें तो दिखता नहीं है। बाय द वे भूत पकड़ा मैंने, बिल्ला नहीं पकड़ा जो तुझे पूंछ उठा कर दिखा दूं। जब तुझे बोला है बोतल में है नहीं। अरे पैसे निकालो पैसे अब। अरे पैसे निकलवाए इनसे, निकालो पैसे। अरे चलो पैसे निकालो, ला लो जल्दी, लो लो एक तो। अरे ये तो 400 है, 500 की बात हुई थी।
ऐसे तो इतने ही है, लेने हैं लो, नहीं तो चलते बनो। तेरी तो कलाकार बंदे हैं हम, बोलना सीखो लोगों से, पकड़ तेरे पैसे हमें नहीं चाहिए। चलो चुंडी, नहीं चाहिए इनके पैसे। यार एक तो बेइज्जती करते हो, ऊपर से पैसे। उस्ताद मजा आ गया तो। ओ जग्गी, मैं कभी मोटरसाइकिल पर उल्टा नहीं बैठा। 100% केस सॉल्व कर देता है, 500 रुपए में भूत पकड़ता है। 100% केस सॉल्व किए, 500 रुपए में भूत पकड़ लेता है। भूत पकड़ लेता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी उम्र इसने बस नहीं पकड़ी हो टाइम से। मजे दो, दर्द मत दो भाई। 10 रुपए के तेल में तुझे मजे चाहिए? ये बड़ा अजीब सा नंबर है, देखना उस्ताद किसका है, क्योंकि नाउ आई एम ऑन हॉलिडे आज। हेलो जग्गी, भूत भगाओ यार। सत श्री अकाल जग्गी जी, मैं बिलाल चौधरी बोल रहा हूँ लास्ट से। हमें बिल्डिंग में से भूत बाहर निकलवाना है। और भूत में अंतर ध्यान होकर तो निकाल नहीं सकता आपका, उसके लिए मेरा भूत प्रेत पर होना बहुत जरूरी है। एड्रेस लिखाओ, किस इलाके में पड़ता आपका गाँव? पंजाब से हिसाब लगाया जाए तो नॉर्थ में ही पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। उसके लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा और जमुनानगर, चंडीगढ़ से जमुनानगर और जमुनानगर से फिर बद्रीनाथ। या बद्रीनाथ से कौन सा रास्ता मुड़े? आपको किसने बताया कि यूके आने के लिए आपको बद्रीनाथ से आना पड़ेगा? अरे इतना गांव में कोई सयाना नहीं है जो जग्गी को सलाह दे सके, वो तो मेरे ही शौक थोड़े से घूमने फिरने के हैं। जग्गी जी प्लीज, आप इतना बौदा मत करो। इस काम के लिए आपका स्पेशल वीजा लगवा कर टिकट भेज दूंगा मैं आपको, आप बस आ जाना। कहाँ आना? इंग्लैंड। इंग्लैंड? इंग्लैंड? ये तो काम ही आसान है, पैसे कितने मिलेंगे? सरदार जी आप हमारा काम कर दो और मुंह मांगे ले लो, लाखों में, वो भी रुपए नहीं पाउंड। लाखों पाउंड? लाखों पाउंड मिलेंगे? हेलो मजाक मत करना, मुझे थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम है। राइट मैं आपका वीजा और टिकट बुक करके आपको वापस फोन करता हूँ। ओके मतलब मैं रुपयों को मल्टीप्लाई करूँ 100 से? जी हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। ओके सत श्री अकाल। उस्ताद पड़ गया सूखी बेलों पर पानी, अब तो पैसे ही पैसे आएंगे, पैसे ही पैसे। कौन है तू? मैं चुंडी। क्या काम करता है? मैं आपके साथ रहता हूँ उस्ताद। उस्ताद अब तो पैसे आ जाएंगे, मैं बड़े कंबल वाली कमेटी डाल लूं। अरे डाले, कितना बड़ा कंबल होगा तेरा। फिर मैं करता हूँ पैकिंग आपके कपड़ों की उस्ताद। मास्टर प्रीतम इतने हैरान मत हो, दोबारा ना मर जाना कहीं। जग्गी बेटा, भूत अगर अंग्रेज है तो फिर तो अंग्रेजी बोलता होगा, तू कैसे समझेगा? हाँ तो जग्गी डरता है क्या अंग्रेजी से? ओ मास्टर मैंने बीए बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। बेटा मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ जाकर तेरा वास्ता अंग्रेजों से पढ़ना है, इसलिए तू इस अंग्रेजी वाले मास्टर को साथ ले जा। वैसे भी मरने से पहले मैंने यमदूत के सामने प्रार्थना की थी कि जीते जीतों में विलायत देख नहीं सका, मरने के बाद भी कुछ ऐसा चमत्कार कर देना कि मैं मेमो का मुल्क देख लूं। टिकट तो इसकी कोई लगनी नहीं, चलो अंग्रेजी वाला तो मैं संभाल लूंगा, पर कोई पढ़ा लिखा मिल गया तो मास्टर संभाल लेगा। मास्टर मेरा जग्गी बेटा। टिकट तो हमारी भी नहीं लगेगी, हमें भी ले जाओ साथ। बेटा जी जब नागपुर जाते हैं ना तो संतरे साथ नहीं ले जाते। दूंगी एक। चुंडी यार काम बहुत जरूरी है, वरना तेरे को मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। अरे आप काम पे ध्यान दो उस्ताद जी। अरे सामने देख क्या कर रहा है यार, सड़क किधर है यार? अरे मैंने क्या किया उस्ताद जी? अरे आराम से चला गाड़ी यार, मुझे जहाज चढ़ना है। अरे आराम से चला चुंडी यार, जहाज में चढ़ाने जा रहा हूँ उस्ताद जी। जहाज चढ़ा दे यार। गाइड चाहिए क्या? ऐसे दांत मत निकाल, बात नहीं बनेगी तुम्हारी मेरे से, मेरा मिशन ही और है। वेलकम भाईजान।
क्या हाल है? बैठ जा बैठ जा, शरारत मत करना, देख रहा हूं तुझे मैं। बिलाल चौधरी जी, ताई तेरी किसान है? भाईजान ये ताई नहीं है, क्वीन एलिजाबेथ है। कौन है? रानी है, इन्होंने भी आना है हमारे निकाह पे। बहुत टेंशन है भाईजान। अरे जग्गी, रानी से रिश्तेदारियां बाद में निकालना, पहले मुझे बाहर निकाल। रुक जा, पहले मुझे अपनी बात तो करने दे। हाँ जी खाइए, हमारे पेड़ है बाहर। दो फाड़ी रखी है, पेड़ है बाहर। भाईजान आप हमारा काम कर दो, पाउंड आपको इतने मिलेंगे जितने आप गिन भी नहीं सकते। बिलाल चौधरी सच कहूं तो 8-9 के बाद मुझे गिनती भूल जाती है। ये पाउंड गिनने का काम रोज की रोज कर सकते हैं? जैसी मर्जी कर लो, मगर जग्गी की जेब फिर फटी की फटी। क्या मतलब भाईजान? पहले जेब इसलिए फटी रहती थी, उसे सिलवाने के पैसे नहीं होते थे, अब मैं पाउंड डाल डाल के फाड़ लूंगा। अच्छा मेरी बात सुन, जो तुम मुझसे निकलवाने वाले हो भूत है या चड़ेल? अब क्या फर्क पड़ता है भाईजान, एक ही बात है। कमाल करते हो, क्यों नहीं फर्क पड़ता? कल को तू कहेगा बब्बल राय और ऐश्वर्या राय बहने हैं, अगले के लिए तो मरने वाली बात होगी। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी भाईजान, ये राय साहब कौन है? वैसे ही बात कही, ज्यादा बातें मत किया करो मेरे साथ, मैं थोड़ा सा सुकून पसंद आदमी हूँ, खामोश रहता हूँ मैं। अच्छा मुझे ये बता, मुझे यही सुलाएगा या तेरे पास है कोई रूम? बिल्कुल है जी, आइए। टॉल्ट है जी? टॉल्ट है, ऑफ कोर्स, अटैच बाथरूम से। वो क्या है कि मुझे रूम के साथ टॉयलेट बहुत पसंद है। राइट, इजी अप्रोच। राइट, चल आइए। अरे बैग का तो संदूक ही बना दिया। अरे जग्गी, अरे भूतनी के कहां मर गया? खुद तो बिजनेस क्लास में आया और मैं बोतल में टेढ़ा मेढ़ा होकर आया हूँ, जल्दी कर, मेरा दम घुट रहा है। अरे बाहर निकालेगा भी या मारेगा? अरे निकाल रहा हूँ। शुक्रिया। अरे कहीं नहीं दोबारा से मरने लगे मास्टर साहब, आप देख लो वलायत में आ गए हैं। मैं तो आई नहीं। चलो बाहर आ जाओ। लोगों को तो जेट लेग होता है और मुझे बोतल लेग हो गया। वाह भाई जग्गी से ही, चलो फिर देखते हैं मेमो का मुल्क। ले भाई मास्टर, ना तूने पीनी है ना तूने नहाना है, सुंगो। इन अंग्रेजों को भी शर्म नहीं आती, वहीं खाते और वहीं नहाते हैं। अच्छा बिलाल चौधरी का कहना है कि महल की छत से गिर के 4 साल पहले एक लड़की मरी थी। और जो लड़की मरी थी उसका नाम, पता, ठिकाना, घराना कोई जानकारी है? जानकारी तो बातों बातों से ही निकलेगी। मेरे हिसाब से लड़की छत के एक बनेरे पे खड़ी होकर टेलीविजन का एंटीना ठीक कर रही होगी। बस फिर फिसल की होगी, होगा काम। एंटीना ठीक करने के लिए कोई यहाँ जलंधर दूरदर्शन चल रहा है? मेरे हिसाब से एंटीना नहीं ठीक कर रही होगी, केबल की तार में टाका बाका लगा रही होगी, थोड़ा बहुत करंट लगा होगा, नीचे गिर के मर गई होगी। अच्छा मास्टर एक बात तो पक्की है, लड़की छत पे घूमने की काफी शौकीन थी। अरे तू भी ना यार। अच्छा मास्टर, यार कोरी चड़ेल पकड़ने में मजा बढ़ाएगा। वो तो है यार। अच्छा, अरे क्या मैं फील भी नहीं कर सकता? लो सुनहरी वाल, नीली आंखें, बजाज की ट्यूब जैसा गोरा चिट्टा रंग, बोतल में बंद ऐसी लगेगी जैसे सावन की अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही हो। हाय, ऊपर से इस चक्की से अंग्रेजी में कहेगी, चक्की जी मुझे छोड़ दो, लीव मी चक्की जी प्लीज। इस बंगले के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी। पंजाब से भूत भगाने वाले यहाँ आ रहे हैं। फ्रॉम पंजाब इज जस्ट अराइविंग। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी, प्लीज हमें बताइए आप भूत को कैसे पकड़ेंगे? प्लीज हमें बताइए। सरदार जी प्लीज बताइए, भूत पकड़ने का आपका क्या प्लान है? प्लीज सरदार जी हमें कुछ बताइए। प्लीज सरदार जी क्या बताएंगे? प्लीज बताइए आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने में? आज से पहले जितने भी भूत हंटर महल के अंदर गए थे वो अपने मिशन में फेल हुए और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें महल से बाहर भागना पड़ा। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। मैंने डिस्कवरी चैनल वालों के लिए पूरे 10 साल काम किए हैं। मेरे हिसाब से इस भूत को कोई नहीं निकाल सकता। देखते हैं तुम्हारा सरदार क्या करता है। भाईजान इसे क्यों मारा? अरे ये तो बहुत ठीक बोल रहा था,
इन्हें सरदार की जगह जी नहीं लगाया। वैसे जग्गी चड़ेल अपनी जगह तो सही है, इतना सुंदर महल का कब्जा छोड़ना तो नहीं बनता। जान जान, कसर अभी निकालनी है, काफी गुस्सा है। अब तो दोनों फूक गए जान। मेम थोड़ी अर्जेंट टाइप लगती है। ओ डार्लिंग, अगर सामने नहीं हो तो कम से कम तालियों का इशारा तो दो। जो बात करनी है मुंह पे आके कर। ये भी तो मुंह पे ही की है, कौन सी पीठ पीछे की है? हिंदी चुड़ैल। रानी चढ़े वो तेरी जकी, मैं तो मर गया। ठिकाने एक ही थप्पड़ से। तेरे जैसे घोस्टबस्टर रोज यहाँ आते हैं और रोज यहाँ से जाते हैं। जिसने तुझे भेजा है ना, उसे बता दे कि मेरा नाम पिंकी है और ये मेरा घर है। पिंकी। इडियट, इट्स पिंकी नॉट पिंकी। पंजाबी है ना, इसलिए छोड़ दिया। कोई और होता ना तो कपड़े फाड़कर बाहर भेज देती। आई समझ?
हाँ जी। गेट लॉस्ट। आज की ताजा खबर, सरदार जी के कपड़े नहीं फटे। आइए सरदार जी से बात करते हैं। सरदार जी, सरदार जी। ओह, भाईजान। You see this? He's the man. भाईजान, आपने कमाल कर दिया। चक्की जी, आपको पूरे कपड़ों में देखकर बहुत मजा आ रहा है। सच में, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। चौधरी बिलाल। जी भाईजान। शादी वाला तेरा आखिरी फैसला है? जी, क्यों भाईजान? भाभी बातें ही बहुत अजीब कर रही है। कह रही है पूरे कपड़ों में देखकर मजा आ गया। इसने मुझे बिना कपड़ों के कब देखा? भाईजान नहीं नहीं, उसके कहने का मतलब है कि अब तक सभी गोस्ट हंटर्स जो आए थे अंदर से कपड़े फड़वा कर बाहर आए थे। आप पहले हो जो A1 इंटैक्ट पीस आयो, मजा आ गया। और ऐसे नहीं समराले से विलायत तक कारोबार चलते झटके। हालात पूरे कब्जे में है, आहिस्ता आहिस्ता महल भी हमारे कब्जे में होगा। अंदर एक मासूम सी लेडी गोस्ट है, डरने की कोई जरूरत नहीं। डाल गोली और उठा बंदूक। थैंक यू जग्गी जी। ओ, वो कुछ मांगती है क्या? दिल मांगती है। मांगती भी क्या, जालिम छीन के ले गई। बिलाल। जी भाईजान। पता करो पिंकी नाम की लड़की जो छत से गिर गई थी उसका घर कहाँ पे है? भाईजान पिंकी वो नहीं है। पिंकी कह रहा हूँ, वो कैमरे वालों को संभालो, वो देखो लड़की क्या कर रही है। सरदार जी। समझदार हो गया गोरा। क्योंकि भाईजान मैंने पिंकी की मदर का पता लगाया, वो शहर से 50 किलोमीटर दूर रहती है, और साथ ही ये भी पता चला है कि वो किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करती। कौन? किससे मिलना है तुझे? अखबार का बिल अगले हफ्ते आकर ले जाना। ओ, मैं आंटी पिंकी का फ्रेंड, मुझे लगता आपने पहचाना नहीं। नहीं, माँ बेटी दोनों चुड़ैल लगती है मुझे। मैं पिंकी का फ्रेंड आंटी जी, मैं 4 साल पंजाब में शिफ्ट हो गया था। जब आया तो पता चला कि पिंकी। इसमें बर्फ डाल तो जरा, बर्फ डाल। हाँ जी 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 जी। जा तू अपने लिए ग्लास ले आ। नहीं मैं ठीक हूँ जी। तेरा मतलब मैं गलत हूँ? ले पीले पीले। नहीं आंटी जी, मैं तो दूध दही वाला बंदा हूँ जी। दही? अच्छा है, लेकर आती हूँ तेरे लिए दही। थोड़ी सी शक्कर डाल देना जी, फ्लेवर बन जाता है उसके साथ। ले दही खा। हंस दही। स्वादिष्ट है? बिल्कुल घर वाला टेस्ट है जी। ये चुंडी पता नहीं क्या खिलाता रहता था। अच्छा? मुझे। हा? तू पिंकी को कैसे जानता था? पिंकी को कौन नहीं जानता था जी। हाँ, थी वो पूरी बेबो, मेरी करीना कपूर। उसे बन ठन के रहना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, अच्छे जगहों पे घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। उसने कॉलेज की पढ़ाई के साथ डांस सीखना भी शुरू कर दिया था। जिस कॉम्पिटिशन में जाती फर्स्ट प्राइज लेकर आती। लोग उसे पहचानने लगे थे, ऑटोग्राफ लेते, उसके साथ फोटो खिंचवाते। बहुत टैलेंटेड थी पिंकी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे तो सब पता है जी। थोड़ी सी पागल थी, ऐसे ही लोगों के साथ लड़ती रहती थी। बस एक रात वो पार्टी पर गई, मुड़कर वापस नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं उसे किसी ने धक्का दिया था, कुछ लोग कहते हैं उसका पैर स्लिप हो गया था, पर मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। वो जाते जाते मेरी पेंशन जरूर लगवा गई। अच्छा, गाने कितने सुनती थी? सारा दिन मोहम्मद सदीक के गाने। नहीं, उस
उसे कुमार शानू पसंद था। हाँ जी, शानू भी पसंद था। गुलाब के फूलों के पीछे तो पागल थी। रेड रोज ना, व्हाइट व्हाइट रोजेस। खाने पीने की कितनी शौकीन थी। मुझे याद है एक बार तो उसने छोले भटूरे की हद ही कर दी। नहीं, सिर्फ उससे पैनकेक्स और कपकेक्स ही पसंद थे, इंडियन फूड की तरफ तो देखती भी नहीं थी। चलो उठ यहाँ से, दही रख नीचे, चल 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 जा, अब दफा हो जा। बड़ा फ्रेंड बना फिरता है, खाक पता है तुझे पिंकी के बारे में। जा। बात सुन, कभी कभी आ जाया कर। हाँ जी। हम लोग पिंकी की बातें करेंगे। म्यूजिक में टेस्ट अच्छा नहीं था उसका। तुझे ज्यादा पता है। नहीं, ठीक था। पागल कहीं का। पिंकिए, ओ रानी पिंकिए। फिर आ गया जलील होने। कल तेरे साथ कम हुआ था। और मेरा नाम पिंकी है, नॉट पिंकी। लाड प्यार में नाम गलत लिया जाता है। पर वैसे जान, मैं तुमसे बात पूछने आया हूँ। ज्यादा जुबान मत चला, अपनी बात पूछ और चलता बन। अच्छा, दास की बेनती ये थी कि अगर तू कहे तो शहर के बाहर तेरे लिए कोई पुराना कुआं, कोई बंद कारखाना, कोई 2-4 साल पुरानी पड़ी इमारत बुक करवा दे। हमें सिर्फ एक दिन के लिए महल चाहिए। बिलाल और रुखसार की शादी हो जाएगी और लोग खुश हो जाएंगे। तुझे कल बात समझ नहीं आई, ये कैसल मेरा है, सिर्फ मेरा। तू दूसरों के पीछे अपनी जान गंवाने के लिए क्यों पड़ा है। लड़की, सरदार हमेशा लोगों के लिए जान गंवाते ही आए हैं। वैसे ये थोड़ी डीप बातें हैं, तेरी समझ में नहीं आएंगी। हम थोड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। तुझे कैसे पता मुझे पैनकेक्स पसंद है? समराले से बलैता कारोबार ऐसे नहीं चलते झटके। तेरे घर गया था। सच में? मॉम कैसी है? ठीक तो है? अभी भी ड्रिंक करती है या छोड़ती? तुम्हारी मम्मी तो दारू की बूंद भी नहीं छोड़ती। वैसे एक बात बताऊं, मुझे बता रही थी नींद आती नहीं, जान जाती नहीं। जब जिंदा थी तो मेरे ऊपर कभी प्यार नहीं आया। तू ना मुझे इमोशनल करने की कोशिश मत कर, और ना ही मैं होऊंगी। पैनकेक 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 पैनकेक। अगर तू चाहता है कि मैं कैसल छोड़ दूं, तो मेरी एक शर्त है। ओ तू हुक्म कर पिंकी है। पिंकी, यू नो व्हाट, जो मर्जी कह ले, मेरी बात सुन। हाँ जी। एक लड़की है, जैस्मिन गिल। अच्छा। वो लंदन में डांसिंग करती है। अच्छा। उसका पता कर और उसे यहाँ लेकर आ। जैस्मिन गिल को यहाँ लेके आऊँ तो तू महल छोड़ देगी? राइट। अरे ये तो बात ही बहुत आसान है, तू मुझे ये बता कि वो मर गई या जिंदा है। स्टूपिड, जिंदा है, मरी होती तो तू यहाँ कैसे लाता। यही तो काम आता है जग्गी को, और जग्गी के पास क्या कद्दू। क्या कहा? जैस्मिन गिल को यहाँ पे लेके आऊंगा तो आप महल छोड़ोगी। दूसरी शर्त, कोई सवाल मत पूछना। अरे ये तो बातें ही बिल्कुल हाई फाई करती है। अच्छा बात सुनो, यहाँ फ्री खड़ी है, मुझे गेट तक सी ऑफ ही कराओ। किस खुशी में? अरे उनको भी तो पता चले, तुम्हारी और मेरी एक बात है। शट अप एंड गेट लॉस्ट। तो पिंकी ने ये शर्त रखी है कि अगर तू जैस्मिन गिल नाम की लड़की को पकड़कर उसके पास ले जाएगा तो वो महल छोड़ेगी। पर मैं कहता हूँ, झंझट में क्यों पड़ता है, उठाकर डाल उसे बोतल में। वैसे तो तू 5 मिनट लगाता है भूत पकड़ने में। ना मास्टर जी, यार प्यार में कोई जबरदस्ती नहीं। वैसे भी अब अकेली बात बिलाल की शादी की नहीं, जकी की खुद की भी उम्र हो चुकी है शादी की। अच्छा, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बातें शादी की कर रहा है। मुझे लगता है तेरा ये काम लंबा चलने वाला है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपने सर्दियों के कपड़े यहाँ मंगवा ही लूं। बिलालो, पता करो ये आदमी है या भूत है। यस, मुझे तो बहुत बनी है यार। मुझे तो घर वाले भी भूत लगते हैं। Oh,
अंगूर मत लेना, खट्टे लग रहे हैं। तू तो हम फिर भी ठीक है, लिफाफा डबल करवा लेना, डबल। कैचअप नहीं खानी चाहिए इंसान को, पता नहीं कौन से खराब टमाटरों के बनाते होंगे। मेरा पंजाब में बहुत अच्छा कारोबार चलता है, मैं तो घूमने आया हूँ। मैंने सोचा किसी का क्यों नुकसान हो। वैसे मुझे तुम्हारे कानों की बालियां बहुत सुंदर लगी, मैंने अपने बड़े खास दोस्त के लिए पसंद की थी पिछले हफ्ते। पर मैं भूल गया हूँ मैंने कौन सी दुकान से ली थी। स्टोर से निकलो, लेफ्ट लो, वहाँ बर्बरी स्टोर आएगा। बर्बरी स्टोर से ली थी। हमारी अपनी भी है कि ब्रांच बर्बरी। बर्बरी? Really? मुझे लगता है आप उनके ऊपर वाली मंजिल पे नहीं गए। मैंने सुना है वहाँ पे लोग लाइट वाइट नहीं जगाते, कहते हैं वहाँ पे सोने के गहनों की चमक ही बहुत है। Listen, मिस्टर, जो भी आपका नाम है, जगी, whatever, जगी, बर्बरी कपड़ों का स्टोर है, वो ज्वेलरी नहीं रखते। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता। तू नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकता, हर बात गाकर करनी जरूरी है। वो हो तुम। कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर पहले तुझे ही चिपट जाऊं। आ गई ना गुस्से में दिल की बात जुबान पे। रुक जा, आगे से रात को खाने के बाद पूछा करेगी, जगी जी मीठे में क्या लोगे, मैं कहाँ करूँगा प्यार। तेरी हरकतों के आगे ना गालियाँ भी हल्की पड़ेंगी। आइडिया तुम्हारा फेल हुआ, गुस्सा तो मुझ पे कर रही है यार। तू बस साइकिल की चैन में पजामा फंसा सकता है, लड़की नहीं फंसा सकता। नीचे रख, मैंने कहा रख और निकल यहाँ से। वो क्या हो गया? तू बस यही कर सकता है। ये तो अब जग्गी की इज्जत पे वार हो गया। अब तो मैं तुझे लड़की फंसाकर ही दिखाऊंगा, वो भी अपने तरीके से। ये भी खा के जाऊंगा। Enough, Derek. Stop flirting with the girls. Brian, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boys, keep Sorry breathing. Sorry to disturb, but मैं आपको अपने नए स्टूडेंट से मिलवाना चाहती हूँ, Mr. Jaggi from Punjab. Oh God, this is gonna kill me. Mrs. Shama, अब तो second semester शुरू हो गया है, इसे admission कैसे दे सकते हैं? Jasmine, मैंने भी इनसे यही कहा, पर इसने कहा कि ये बेसिक सालसा जानता है। सी, सालसा इज अ स्पैनिश डांस, मुझे नहीं लगता ये कर पाएंगे। ओ मैडम, आपने कभी जग्गी को भंगड़ा करते नहीं देखा? बात सालसा की हो रही है मिस्टर जग्गी। मैडम, बात शौक की हो रही है, मैं तो शादी के बाजे वालों की भी बस करवा देता हूँ। हेलो, उधर लोग लड़की की डोली भेजने के लिए तैयार होते हैं, इधर जग्गी का डांस रिपीट पे चल रहा होता है। पहले ललकारे ना मैं डर गई, और तुझे ललकारे ना अंदर बढ़ गई, और तीजे ललकारे ना ना डिसिप्लिन। हेलो, इतना शौक है जग्गी को नाचने कूदने का? शमा जी, मेरे पास इनकी पेरिंग के लिए कोई लड़की नहीं है। जैस्मीन, इसने सारी पेमेंट कर दी है, तुम्हें इसे रखना ही पड़ेगा। अरे अरे, पेरिंग वाली बात का तो मेरे पास आता है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको दो दो पैक पिला देंगे, फिर उन्हें क्या पता चलेगा कि कौन डांस कर रहा है। और मेरी जोड़ी तो इसके साथ ही बन सकती है। अच्छा आइडिया है मिस्टर। करो 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 करो, बात करो। ठीक है मिस्टर शमा, मैं इन्हें एक शर्त पर एडमिशन दे सकती हूँ, कल इनका एक बेसिक सालसा टेस्ट रख लेंगे, अगर ये पास हो गए तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ ले लो टेस्ट, ले लो। हाँ ले लो, ये आसानी से टेस्ट पास कर लेगा। I'm sure. कल के लिए गुड लक मिस्टर जग्गी। हैं? गुड लक। सालसा सीखना है वो भी कल तक? उफ।
आप मुझ पर भरोसा रखो जी। अरे कोई बड़ी बात नहीं है सालसा, आगे पीछे घूमते रहते हैं, मैंने बड़ा किया है सरकारी बसों में सालसा। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे जाते हैं, जब ड्राइवर रेस देता है तो हम पीछे जाते हैं। ऊपर से मेरे जैसों ने टिकट नहीं ली होती, जब कंडक्टर आता है तो घूम जाओ, हो गया सालसा। हमारे वहाँ सारा पंजाब करता है सालसा। इडियट, कल सुबह तक तुझे लड़की को होल्ड करना भी नहीं आएगा। तुझे पता है सालसा तब सीखा जाता है अगर पार्टनर के साथ लव हो, अफेक्शन हो। भला हो इन सालसा वालों का, फिर तो तेरे और मेरे करने का डांस हुआ ये। तेरी मेरी डील खत्म, ना मुझे जैस्मिन चाहिए और ना मैं कैसल छोड़ूंगी, अंडरस्टैंड? पिंकी, ओ मिला बीबी, मेरे साथ बात मत कर, मैं बहुत गुस्से में हूँ। यार गुस्से में तू बिल्कुल जिंदा लोगों जैसी लगने लगती है। गुस्सा मत किया कर, तुझे पता है ना मुझे जिंदा लोग पसंद नहीं है। तू किसी काम का नहीं, तू सिर्फ बातें बना सकता है। ले, तरी वाला मुर्गा और कोफ्ते बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ मैं। हंसती रहा कर, चुड़ैल लगती है। अब लगी ना रानियों की चुड़ैल, चुड़ैल रानी। अभी देखना मैं क्या करता हूँ। क्या? ऐसा कुछ नहीं है, फोन लगा रहा हूँ घर पे। हेलो, हाँ अच्छा बात सुन, सालसा की 5 CD और 1 tie वाला सूट और CD प्लेयर का इंतजाम करो। सालसा? Okay, 5, 6, 7, 8. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Take the lead, Mr. Jaggi. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीख जाएगी, दिल छोटा मत कर, सीख जाएगी, सीख जाएगी।
मैडम मुझे लगता है लड़की नहीं है, इसे धीरे धीरे सिखाना, इससे बात बनने वाली नहीं। पंगा मत लेना। Your admission, Mr. Jaggi. Class over, guys. चोटी के तेरे शौकीन है, बता खुद ही तेरा क्या सीन है, तू मुझसे क्यों यार उठा, क्या हाल है तेरा मेरे यार, ये लड़के ने आके पूछा, क्या हाल है तेरा मेरे यार, ये लड़के ने आके पूछा। आज है क्यों मेरा यार, ये लड़के ने आके पूछा, खफा आज है क्यों मेरा यार, ये लड़के ने आके पूछा। जो होती है जवानी में दीवानियां, यार उम्रों की बनते निशानियां, जो होती है जवानी में दीवानियां, यार उम्रों की बनते निशानियां, मुझसे क्यों यार रूठा, खफा आज है क्यों मेरा यार, ये लड़के ने आके पूछा, खफा आज है क्यों मेरा यार, ये लड़के ने आके पूछा। अब आपका सालसा सीखने के बारे में क्या ख्याल है? यस। सालसा बहुत ही मुश्किल डांस है, इसको पढ़े लिखे इंग्लैंड के लोग ही कर सकते हैं। भंगड़े का क्या है, भंगड़े तो घोड़ियां भी कर लेती हैं मेलों में। बात यहाँ खत्म होती है कि जग्गी सालसा नहीं सीख सकता। मैं आपको सालसा सिखा सकती हूँ, बट आई रियली नीड टू नो, तुम्हें सालसा सीखना क्यों है? लूसी स्पेनिश। क्या? लूसी स्पेनिश मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों की शादी है। सो उसने मुझसे शर्त लगाई है कि शादी में मुझे सालसा करना पड़ेगा। ओके। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको पता है कि बंदा सच्चे प्यार में क्या क्या कर सकता है। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैंने पहले कभी झूठ बोला है? चलो जो अब झूठ बोले उसको चुड़ैल चिपटे। क्या कर रहे हो? सालसा। बरामद से तुम भंगड़ा बहुत अच्छा कर लेते हो,
और मुझे पता है कि तुम सालसा भी बहुत जल्दी सीख जाओगे। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। पक्की बात है? 9 o'clock शार्प। पक्की बात है। ऐसे नहीं सम्राले से ब्लै तक कारोबार चलते झटके। बिलाल हमारी प्रॉब्लम्स ठीक तो हो जाएंगी ना? पहले ही इतनी मुश्किलों से हमारी फैमिलीज इस निकाह के लिए राजी हुई है, ऊपर से ये भी प्रॉब्लम आ गई है। 7 दिन रह गए हैं बिलाल, ये निकाह तो हो जाएगा ना? ये सरदार जी कर क्या रहे हैं? मिस्टर जागी, ये क्या है? भंगड़ा सिखाने वाले चाचू को पगड़ी और लट्टू दिए थे। हाँ? तेरे लिए सूट और लट्टू लाया हूँ। अब तू ही मेरी उस्ताद है मैडम जी। थैंक यू। एनीवेज हम मेरी डांस क्लास के कुछ रूल्स हैं। टाइम पर आना, दिल लगाकर सीखना और इधर उधर की बातें ना करना, समझे? पकड़ लो भूत की टांग। क्या मैडम, राउंड को मिला नहीं दिख रहा, विद्यार्थी कहाँ है? वो उन्होंने भंगड़ा क्लासेस ज्वाइन कर लिया, कह रहे थे कि सालसा में मजा नहीं आता। उई, 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 उई। फिर तो आपका बहुत नुकसान हो गया। मैं सोच रहा हूँ ग्राहक इधर उधर क्यों जाने दे, भंगड़ा मैं सिखाते करूँ, पेमेंट आप लेते रहना, फायदा भी होगा पुण्य भी मिलेगा। सालसा शुरू करते हैं। ये सालसा वाला काम खत्म करते हैं आज। आपको 4 steps लेने, 1 2 3 4 4 3 2 1। एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और एक सिचुएशन अज्यूम करो, वो काम जो आप रूटीन में करते हो उससे बॉडी की रिदम बन जाती है। रिदम बनानी है जी, रूटीन जी, बन गई। बोल्ट का गियर डाला, क्लच छोड़ा, रिंग और ब्रेक मारी। ओए होए होए होए, नीचे उतरा, स्टैंड लगाया, चाबी घूम रही है। ये क्या हो रहा है? इतनी सुंदर लड़की अकेली खड़ी हो और जगी बुलेट भगा कर ले जाए, यार एक प्रपोज तो बनता है। स्टूपिड, कुछ अच्छी सी सिचुएशन अज्यूम नहीं कर सकते, गेट आउट। अच्छा ठीक है मास्टर जी, गुस्सा मत करो, मैं हूँ गवार आदमी, मुझे समझ कम आती है। एक आइडिया हो रहा है मेरे पास, ये चाबी पकड़ो। अच्छा गोली मारो चाबी को। आप यहाँ से बोलियां करो, मैं यहाँ से सालसा करूंगा, देखना कितना मजा आएगा। सालसा में बोलियां नहीं होती। अभी ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। चलो ठीक है कर लेते हैं, आ जाओ। शहर में ना जाना गोरी है, पैर में पाके स्लीपर काले, तोर तेरी देख लड़की पट जाएंगे शहर के लाले। बन रही है बात। पारी पर सी करन गया, सी कट के ले आंदी आ रही, कुड़ी मेरे नाल पड़ दी, जिनू अखमित्रा ने मारी, कुड़ी मेरे नाल पड़ दी, ओकरा रंग तो तुम्हार का। ये क्या किया? बड़ी थोड़ी लंबी है, एडजस्टमेंट कर रहा हूं। ओकरा रंग तो तुम्हार का, लगदी बड़ी प्यारी, ओ मित्रा ने पट लेनी है, जिदी कुड़ियां ते सरदारी, ओ मित्रा ने पट लेनी है, जिदी कुड़ियां ते सरदारी, ओ मित्रा ने पट लेनी है, मोड़ी के मोड़ी के। आया सालसा कहीं? अरे सालसा तो मुझसे डर गया, मैंने तो कमाल कर दिया। साथ में ट्राई करते हैं, साथ में ट्राई करते हैं। मतलब बात बनी नहीं अब तक पूरी? बन जाएगी। Let's try again. Come. कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? भाग के क्यों आया वहां से? तुझे तो नाचते वक्त गांव की औरतें पास में खड़ा नहीं रहने देती कि बच्चा ना बिगड़ जाए, और यहां तो ये लड़की खुद तुझे डांस सिखा रही थी। अरे नीचे आओगे,
अलादीन मत बनो। चल बता, तुझे डांस की पढ़िया, मुझे वहाँ चक्कर आने वाले थे। अरे चक्कर आने के लिए क्या तेरे ऊपर कोई मच्छर का स्प्रे कर रहा था? ऐसी कौन सी आफत आ गई? मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ा, जिस पर बीती है उसको पता होता है। बीती थी तेरे ऊपर, बता। अरे बता तो रहा हूँ। सुन, मैं उसके पास गया। हाँ। वो मेरे पास आई। हाँ। फिर आंखों में आंखें डाली। हाँ। हाथों में हाथ डाले। हाँ। उंगलियों में उंगलियां। ये क्या हो रहा है? सालसा हो रहा है, पूरी बात सुनेगा? हाँ बता। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ के अपनी कमर पे रख के मुझे खींचा। फिर मुझे उसके सांसों की आवाज सुनाई थी। फिर मेरा शरीर सुन हो गया, मुझे कुछ नहीं पता फिर क्या हुआ। सुन मतलब क्या, उसने बर्फ में डांस करवाया था? अरे हाथ कर दिया यार तूने, तू आज तक किसी लड़की के नजदीक नहीं गया? क्यों नहीं गया यार? मैं सच में नहीं गया। मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता। तुझे लड़कियों के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? तेरे साथ मजे करने के लिए भूत भूतनिया जो है। ओ बेटा जी, इश्क कुर्बानी मांगता है, अगर कुर्बानी नहीं दे सकता तो भूल जा अपनी पिंकी को। मैं पिंकी को भूल जाऊं? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी रानी जुड़ेल को भूल जाऊं? हाँ। अरे मैं उसके लिए जान दे सकता हूं। हाँ। पर मास्टर यार, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं मर के भूत ना बना तो पता नहीं मुझे पिंकी मिले ना मिले। अरे यार तू अपना दिल बड़ा रख, अमरीक के अंदर से आवाज आई है कि तेरी बात पिंकी से बन के ही रहेगी। पक्की बात है? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात है? मुझे नहीं। ओ हाय, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं शहीना हूँ, आपकी नई सालसा ट्रेनर। तो शुरू करें? हेलो हेलो जस्मीन, ओ हेलो हेलो, ओ किसी बहम में मत रहना, इतनी सुंदर नहीं है कि जगी तेरे लिए इधर उधर भागता फिरे, बड़ी आई स्टाइल मारने वाली। अरे रब ने मुंह दिया है, इंसान थोड़ा बहुत हंसे है, स्माइल करे, ऐसे 24 घंटे मुंह बनाई रखती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार ये तो बहुत गलत बात है, तूने मुझे कहा था कि पहले मुझे साल साल सिखाओगे फिर जॉब छोड़ोगी। आई नो, पर शाहिना मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेनर है, तुमने तो सालसा सीखना है ना, तो उससे सीख लो। पर मैंने सूट और लड्डू तुझे दिए, वो शहना मैंने को नहीं दिए। अभी मेरा खर्चा मत बढ़ा, तू ही मेरी उस्ताद है, तू ही सिखा। फिर कल क्या हुआ था? कल तो तू डांस छोड़कर भाग गया था ना। बना ले बना ले, इसका भी कोई बहाना बना ले, सच तो तुम्हें बोलना ही नहीं है, है ना? So? अगर तू सच सुनना चाहती है तो मैं वहां से इसलिए भागा था, मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऐसे लगा कि मैं मैंने कभी किसी लड़की को टच नहीं किया आज तक। ओके लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, तुम वहां से इसीलिए भाग गए थे क्योंकि तुमने किसी लड़की को टच नहीं किया था? कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया? लड़की को हाथ नहीं लगाया, चुड़ैलों को बहुत बार लगाया। You're crazy, funny crazy। तू ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा है ना? आजकल की दुनिया में प्यार ऐसे नहीं होता। पर जिस दुनिया को मैं जानता हूँ वहां पे प्यार ऐसे ही होता है, पर जिस प्यार में ऐसा नहीं होता वो प्यार ही नहीं होता। Come.
हाँ जी। उठो। उठना तुझे पड़ेगा, तू ऊपर है। सारे कपड़े गीले हो गए, मैं चेंज करके आती हूँ। कॉफी? हाँ पीलूंगा। अंदर आ जाओ। मैं 2 मिनट में आई। ये क्या हो रहा है? फन हो रहा है। तेरी नियत तो मुझे सालसा सीखने वाली लगती नहीं है। मेरी लड़की से दूर रहे वरना भुट्टे के जैसे भून दूंगा। छोड़ो जी, क्यों इसके पीछे पड़े हो? कितना सीधा साधा लड़का है बेचारा। सीधा। तेरे पापा का स्वभाव बड़ा गुस्से वाला है जस्मीन। गुस्से वाले थे, तुझे कैसे पता? सुंदर लड़कियों के पापा गुस्से वाले होते हैं। अच्छा, तुम लूसी से कहाँ मिले थे? कौन लूसी? लूसी, योर गर्लफ्रेंड, स्पैनिश गर्लफ्रेंड। मैं ना उसको एक्चुअली मिट्टी कहके बुलाता हूँ। मिट्टी? Oh, so sweet. फेसबुक पे मिला था। मैं अपने फ्रेंड लकी को ढूंढ रहा था, वो के मिस हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो बस लूसी मिल गई। हाँ बस फिर सारी दुनिया पलट गई। कहाँ है लूसी? पता नहीं क्यों मुझे आपकी सभी बातें झूठी लगती हैं। पक्की बात है? हाँ। पर झूठी है नहीं, भले ही मुझे समराले वाले बाबा जी की कसम खिला दो। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली आजकल कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता ना जितना तुम लूसी से करते हो। सी? लूसी भी तुम्हें उतना ही प्यार करती है। हुँ, 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 लूसी मेरे लिए पंजाबी सूट पहनती है, सिर पर फुलकारी लेने की जिद करती है, और मैंने रोक दिया उसको। मैंने कहा चूहिया सी है तू, ऐसे नीचे आके मरना चाहिए। पंजाबी और पंजाबियों की बहुत इज्जत करती है मेरी लूसी। तो आप उसे कहो ना कि वो भंगड़ा सीखे। हाँ उसका गला नहीं ठीक रहता, वो नहीं सीख सकती। गले का क्या लिंक है भंगड़े के साथ? वो भंगड़े के साथ निकालनी पड़ती है आवाजें। भंगड़ा सीखना कोई आसान बात नहीं है। 1 2 3 नहीं होता सिर्फ भंगड़े में, भंगड़े में ए ए ए ए होता है। भंगड़ा सीखना। मैं उसे समझाऊंगी वरना ये सालसा आपकी रिलेशनशिप खराब करेगा। अरे नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, सालसा वालसा को मैं संभालूंगा, तू फिकर ना कर। मैं नहीं चाहती कि एक डांस की वजह से इतना प्यारा रिलेशनशिप खराब हो। मैं लूसी से मिलना चाहती हूँ। नहीं नहीं, अब तू सीरियस ले रही है बात को, मैं अपने आप संभालूंगा, तू क्यों टेंशन ले रही है? आई हैव टू वरी, क्योंकि तुम्हें भी सालसा सिखाना इतना ईजी नहीं है। मैं लूसी से मिलना चाहती हूँ आज रात 8 बजे। पक्की बात? पक्की बात। बनाने पहनी हमने रीटा कंपनी की, और गर्लफ्रेंड चाहिए हमें स्टाइलिश है। बहुत अच्छे जगी जी, बनोगे बड़े होकर कुछ आप। हेलो बिलाल जी। भाईजान घोड़ी से उतर जा, शादी तेरी फिर खतरे में है। क्या हुआ भाईजान, मुझे बात तो बताओ। ओ बिलाल यार मत पूछ, रात को लड़की चाहिए 8 बजे, स्पेनिश, इसका नाम लूसी हो। ओके स्पेनिश डन। उए, 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 उए। बहुत भूख लगी है। क्या बनाए खाने में? नहीं इकट्ठे खाएंगे लूसी के आने पर। अरे दाल का नमक मसाला तो चेक कर लूं। मैंने चेक कर ली है, ठीक है लूसी। लूसी हाय। हाय मैं सिंडी हूँ, सरदार जी की गर्लफ्रेंड। लो जी आ गई आपकी पंजाबी सूट और फुलकारी वाली। आ मेरी मृदु। तुमने तो कहा था इसका नाम लूसी है, इसने बताया इसका नाम सिंडी है। इसके घर वाले इसको सैंडी बोलते हैं। रूठ के गई थी ना गुस्से में, अपने मम्मी डैडी वाला नाम ही नहीं ले रही। मेरा बच्चा रूठ गया था। ओ मेरी लूसी है, लूसी बुड्ढी नहीं। हट जाओ, मैं सरदार जी की गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा वो वाली गेम।
मैं ही हूँ सरदार जी, मैं ही हूँ सरदार जी। हाँ, अच्छा। अरे डाल ले जप्पी। डाल ले। अभी तो मेरी मशूक थोड़ी गुस्से में है, पर जब इनका मूड सही होता तो आधा आधा घंटा पप्पियाँ लेती रहती है। चलो डिनर करते हैं। हाँ, चलो खा लेते हैं। चलो। मेरी लस्सी आई। हाँ, बड़ी भूख लगी भाई। पकड़ लो भूत की टांगे। क्या हुआ डार्लिंग? ये डार्लिंग ठीक है। So, Cindy, how do you like Punjab and Punjabi people? Punjab? Punjab, हाँ हाँ, बहुत कुछ है कहने के लिए। भांगड़ा, बड़े खेत, गुस्सा उतर गया, गुस्सा उतर गया। Handsome man, गरीब लोग, भूखे लोग, कुछ गलत कहा? तुम भी पियो? नहीं, मेरा बुगर ड्रिंक है। So, Cindy, would you like to live in England or would you like to live in Punjab? After marriage. क्या बकवास कर रही हो? मैं अपनी कंट्री क्यों छोड़ूंगी? पर जरूर क्या है? जग्गी, इसे बोलनी तो दो। यार बोलने के लिए वो कथा सुना रही है। दारू भी हमारी, बेइज्जती भी हमारी। ऊपर से तू उसे क्वेश्चन पूछे जा रही है, वो गुस्से में, उसे खाना खाने दो। okay, okay. मैं खिलाता हूँ। मैं चावल दो मेरी चूहिया को। मुझे वो चावल खा ले। दाल, सनराइज, मिक्स, मटर। नो, नहीं, ओह नो, मुझे इंडियन फूड बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे पास पिज्जा, चिकन, बर्गर ये सब नहीं है? जग्गी, तुमने तो कहा था इसे पंजाबी खाना बहुत पसंद है। ये बहुत गुस्से में है, इसका मूड ठीक नहीं है। I'm sorry, मैं ये सब नहीं कर सकती। फील मत करना। कोई बात नहीं, आज बाहर खा लेते हैं। तुझे एक बात कहूं, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फिट नहीं है। सम्राले जिसने फिट होना है वो मुझे पता है। खन खन है खन के तेरे कंगना और रानी, जागे है तारे छत पे रात सुहानी। खन खन है खन के तेरे कंगना और रानी, जागे है तारे छत पे रात सुहानी। पल तड़ पावे आके मुंडे रुपये तो मुझको लल चावे। रूप तेरा ओ मेरी बिल्लो, पल पल तड़ पावे आके मुंडे रुपये तो मुझको लल चावे। सोए है सारे तू ही जागे मस्तानी, सोए है सारे तू ही जागे मस्तानी। खन खन है खन के तेरे कंगना रानी, जागे है तारे छत पे रात सुहानी।
बारिश की बूंदों में भी आग सी सुलगे, ठंडा बदन मेरा गर्मी में घुल के, हो बारिश की बूंदों में भी आग सी सुलगे, ठंडा बदन मेरा गर्मी में घुल के, ठंडे अंगारे हो गए बन गई तू पानी, ठंडे अंगारे हो गए बन गई तू पानी, खन खन है खन के तेरे कंगना ओ रानी, खन खन है खन के तेरे कंगना ओ रानी, जागे हैं तारे छत पे रात सुहानी, खन खन है खन के तेरे कंगना ओ रानी, जागे हैं तारे छत पे रात सुहानी। लूसी देखो मुझे 8 बजे तक का पैसा मिला है, अब मैं नहीं रुक सकती। Hey you pitch light PM। मैं बताता हूँ सब कुछ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हौसला रखो। ऐसे रखो हौसला, तेरा कुछ ना रहे। अपने हाथ नीचे करो जोगी, देखो ऐसे मत करो। It's okay. 4-5 दिन से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था जस्मीन, मुझे लगा मेरा बीबी ऊपर नीचे होगा, हट जाएगा अपने आप ही, पर हाय ओए रब्बा मुझे क्या पता था मेरा जालिम दिल अंदर से सिग्नल भेज रहा था। जस्मीन मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं जस्मीन सुना ले, फोन कर दो, मैं मर जाऊंगा, मैं सच में मर जाऊंगा जस्मीन। मैं कैसे हौसला रखूं जस्मीन? ओए लूसी है तू, मर जा लूसी। इट्स ओके, उठ जाओ, दिल छोटा मत करो। ठीक से आया। हाय रब्बा, सरदार जी तुम ठीक हो? सरदार जी। हाँ जी लायरा। हाँ जी, हाँ जी जरूरी है। आए रब्बा, यू नो दुनिया में और भी बहुत सुंदर लड़कियां हैं, आई एम श्योर कि आपको एक बहुत ही प्यार करने वाली लड़की मिल जाएगी। पक्की बात है। एक्सक्यूज मी, 2 कोक्स प्लीज। 2 कोक्स श्योर। 2 कोक्स, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 9 के लिए रम 2 कोक के Lucy? साथ। नाम ही खराब है, तुम्हारे लेवल की थी भी नहीं। हम कहीं और भी मिल सकते थे, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? माइंड न करो तो एक बात कहूँ, तुम पंजाबी लड़कों से ज्यादा बड़े इडियट्स ना है ही नहीं। I mean, क्या जरूरत थी उस विदेशी के पीछे इतना पागल होने की? मैंने ना 3 घंटे लगाकर इतना स्वाद खाना बनाया और उस लूसी ने टेस्ट भी नहीं किया, है कोई जवाब इस बात का? कितनी ड्रिंक कर रही थी वो लूसी, बताओ है कोई जवाब इस बात का? है ना जवाब, पर निकल नहीं रहे अंदर से। जवाब निकलेगा भी कैसे, पक्की बात का कोई जवाब नहीं। पकड़ लो भूत की टांगे। अरे मुझे जवाब खा खाएगा, जवाबों वाला ग्लास तो खुद पी लिया। ओ तेरा बेड़ा गर्क हो जाए बेटर। अपने सवाल याद रखना, अभी आएंगे जवाब कड़वे। हाँ, मेरे लिए कोक। होल्ड ऑन, हेलो वेटर, वांट सम रम और व्हिस्की? सब ले आ। हेलो, Thank you.
मैं। You listen to me, people. I don't give a damn. मैं अपनी लाइफ अपनी स्टाइल से जीऊंगी। पीछे करो। पूछ क्या पूछ रही थी, अगर लूसी ने खाना नहीं खाया तो उसको नहीं सवाल लगा होगा। अब उसकी जगह पे खा खा के मैं अपना पेट फड़वा लूं। बड़ी फिरती बड़ी मुर्शिद। अरे ये सांसे वासे वो जगी ऐसे कर लेता है ऐसे। 1 2 3 4 4 3 2 1 वो टुकी चुंगा आज मैं तेरी। अब और सेल्फी नहीं लेंगे, मैं डिलीट कर दूंगा। बाय बाय। रख भी सकते हो, दे वो मेमोरीज। इसकी अपनी आशिकियां खत्म होंगी तभी तो तेरा निकाह होगा। भाईजान मेरे निकाह को सिर्फ 5 दिन रह गए और मेरी फैमिली को नहीं लगता कि आपसे ये काम होगा। फैमिली को छोड़ तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि कोई ये मसला सॉल्व कर सकता है तो वो आप ही हो। मैंने तुझे जुबान दिया है, यकीन रख। मुझे सरदार जी की जुबान पर पूरा भरोसा है। हेलो आंटी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जग्गी बेटा, आज तू घर आ सकता है। आज पिंकी का बर्थडे है, मैंने उसके सभी दोस्तों को फोन किया पर सभी बिजी हैं। उसका केक भी वैसे के वैसा ही पड़ा। आंटी मैं कल आऊं, मुझे आना जरूरी कोई काम था। मैं कल आता हूँ पक्का। आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। हैप्पी बर्थडे। रेडी 1 2 3 4 कैसा लग रहा है प्रोग्राम? काफी सालों बाद किसी ने मेरे बर्थडे की खुशियां मनाई है। रुक जाओ अभी तो और भी बाकी है। पाजी जो 10-5 पाउंड कम देने हो दे दो। क्यों डरा रहे हो, किससे बातें कर रहे थे? डरने के लिए मैंने तुम्हारे गले में सांप डाल। अरे वो भी तो चुपचाप बजा रहे हैं। ये तो गोरे हैं, इनको आपकी बातें कहाँ समझ में आती है। मेरी तो टांगे कांप रही है। हमें हमारी पेमेंट दो और हमें जाने दो। कितनी पेमेंट तेरी? 50 पाउंड। ये ले 50 पाउंड, ये 50 इंडिया वाले भी उठा। अरे पंजाबी बंदा है, थोड़ा जिगरा रखा कर। हो चुड़ैल और मेरी एक बात है। चुड़ैल ओए भागो। तुझे कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? ले ऐसे नहीं समराले से बुलाया था, कारोबार चलते झटके। तूने ज्यादा पैसे दे दिए उन्हें, लूट कर ले गया तुझे। हाय सेम पैसे बचाऊ हाउसवाइफ वाली बातें। ओ पिंकी तुझे गए को 4 साल हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इतनी भी क्या बढ़ गई है महंगाई? अरे रिचार्ज का पैकेज 25 का हो गया फिर भी सिग्नल नहीं आता।
अरे देसी दारू की बोतल 150 की हो गई है, उबले अंडे 15 के दो। हाँ जी, वो भी सिर्फ नमक के साथ, चटनी नहीं देते वो साथ में। अरे मिनी बसों के किराए बढ़ गए हैं, रिक्शों को परमिट नहीं देती सरकार। इंग्लैंड में रिक्शा कहाँ चलते हैं? जिस तरह से पंजाबी इधर आ रहे हैं, लग जाएंगे चलने। तुझसे जितना मर्जी बुलवा लो, जो मैंने तुझे काम करने को कहा था उसका क्या हुआ? 3 दिन हो गए तुझे गायब हुए, तुझे पता है मैं यहाँ वेट कर रही थी तेरा। वेट कर रही थी या मिस कर रही थी? तू फिर शुरू हो गया? तुझे एक काम करने को कहा था उसका क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रही हो जान? आपका ही काम कर रहा था। इधर देखो, ये देखो। ये क्या है? फोटो है। वो तो ठीक है, पर इतने क्लोज होकर क्यों खींची? ये यहाँ मैंने 4 पैक लिए हुए थे। और यहाँ? यहाँ वो 4 पैक मुझे चढ़ गए थे। और यहाँ? ये नहीं याद मुझे। ये सब करने आया था तू यहाँ? एक मिनट, क्या बात हो गई? इन फोटोज को देखकर तो लगता है कि तेरा मेन काम यही है। वैसे मुझे क्यों लग रहा है कोई मरने के बाद भी चल रहा है? मोमबत्ती कितनी लगाऊं? जो तेरी मर्जी, मुझे क्यों पूछ रहा है? 34 लगा दूं? कुछ ज्यादा है। 28? चल 16 लगा देता हूं। चल ठीक है, जो तुझे ठीक लगे। लिख। अच्छा एक बात तो पक्की है, लड़की हो या चुड़ैल, दोनों को उम्र बताते हुए आफत आ जाती है। कभी सेल्फी ले ले हम एक। छोड़ ऐसे फोटो में क्या रखा है, तुम केक काटो। बताओ, सपोज मैं तेरे साथ पंजाब चली जाऊं, मुझे कहां लेकर जाएगा? महल में। ओ, तेरे पास भी महल है? इससे बड़ा महल? अच्छा, वैसे मैंने 2 कमरे बनाए हैं, बाकी खुला छोड़ा है। अगर कोई चुड़ैल पसंद आ गई फिर? मेरे पास रानी चुड़ैल है, मुझे क्यों पसंद आएगी कोई? और अगर कोई लड़की पसंद आ गई? मिशन इम्पॉसिबल। जगी, मैं तुझे झूठा कहती थी, पर एक सच मैंने भी तुमसे छुपाया। पांच साल पहले
बर्मिंघम के टीवी रेडियो न्यूज़पेपर्स में एक ही नाम था, पिंकी, डांस क्वीन पिंकी। फिर उसकी एक कॉम्पिटिटर आई, वो थी मैं, जैस्मिन। ऑफ कोर्स पिंकी को बीट करना बहुत ही मुश्किल था। पहले साल मैं हार गई। लोग बहुत फैन थे पिंकी के, पर नेचर का एक रूल है, हर साल नए फूल खिलते हैं और पुराने झड़ जाते हैं। धीरे धीरे लोग मुझे भी पसंद करने लगे। इस बात से पिंकी बहुत परेशान थी, वो जानती थी अगले साल किसने जीतना है। कंपटीशन नफरत में बदल गया। कंपटीशन बातों से नहीं, स्किल से जीते जाते हैं। एंड यू वेरी वेल नो कि ज्यादा स्किल्ड कौन है। तू लास्ट ईयर भी हारी थी और इस साल भी हारेगी, क्योंकि यहाँ एक ही स्टार है, एंड दैट्स मी। समझी? यस, यू आर अ स्टार, बट अ शूटिंग स्टार। नाउ यू सी मी, गेट ऑफ माय फेस। Don't push me again. It was an accident. पर मुझे लगता है इसमें मेरा भी कसूर था। ना किसी से माफी मांग सकी, ना अपने आप को माफ कर सकी। फिर मैंने सोचा, कम से कम पिंकी की मम्मी से माफी मांग लूं। पर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। सोचा अपनी जान ले लूं। वो भी कौन सा आसान था। पिंकी खुद तो चली गई, पर मेरी खुशी, जिंदगी, डांस, सब कुछ साथ में ले गई। इस तरह हर दिन, हर घड़ी मरने से अच्छा होता उस दिन पिंकी की जगह मैं ही मर जाती। सिर्फ सांस लेने को तो जीना नहीं कहते। जबकि तुम्हें पता है, मैंने अपनी लाइफ में जिस भी चीज से प्यार किया, या तो वो मुझसे दूर चली गई या मुझे उससे दूर जाना पड़ा। लोग कहते कि मैं अपने पेरेंट्स को खा गई। माँ बाप का आता पता है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब मुझे गालियाँ देते हैं, मारते हैं और डराते हैं। माँ बाप गए तो क्या साथ में जुबान भी लगा क्या? मुझे लगता था जैसे मेरी जिंदगी रुक गई हो। एंड देन यू केम। मेरी रुकी हुई जिंदगी चल पड़ी। आई वॉन्ट बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तू भी मुझे प्यार करे। पर वेट करने का तो हक है ना मुझे। लड़की पसंद आ गई। मिशन इम्पॉसिबल।
अगर सोना है तो घर जाके सो। नींद नहीं आ रही। तुझे प्यार हो गया है? जस्मीन, नहीं यार, जस्मीन भाई, इससे बात नहीं बनेगी। ये भी जस्मीना, जस्मीना मेरी मशूक। हेलो जस्मीन, पहले क्यों भाग गया था? दारू पी के आया है? जगी क्या हुआ? अरे मैं बॉर्डर पे पकड़ा गया हूँ, जो मुझसे इतने सवाल कर रहे हो। अरे मैं दे रहा हूँ जवाब, मुझे बोलने दो। ओके ओके, मैं नीचे आ रही हूँ, तू अंदर आ जा। जो भी बात करने है यहीं पर कर। अरे यहीं करने लगा हूँ, मरुति की छत पर बैठकर योगा करने वाले, गिर मत जाना, इधर आ जा। पता नहीं क्या बेकार की बातें कर रहा है। जस्मीन, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। क्या बात? मुझे लगता है मुझसे पूरी बात नहीं होगी, मैं लास्ट वाली बात करने लगा हूँ। ये ले, पहले ये सुन, मुझे तुझसे प्यार हो गया। What? I love you. Hello, जस्मीन, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं खुद नहीं जानता, मुझे अंदर से बहुत घबराहट महसूस हो रही है, पर हो गया तो हो गया, मुझे जिसकी मर्जी कसम खिला दो। जस्मीन ले लो, मुझे बोलने दे आज। जब मैं आगे बंद करता हूँ तो मुझे खुले बालों में दिखती है, जब आगे खोलता हूँ तुम्हारी चोटी की होती है। मुझे भी कुछ कहना है। जस्मीन, मैं तुझे पत्थर मारूंगा, तू चुप कर। हेलो जस्मीन, हेलो जस्मीन, मुझे भूख लगी है पर खाना खाने को मन नहीं कर रहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने को नहीं हो रहा। मैं अच्छा वाला दूध पीता था, ये पता नहीं क्या पी किया गया। अरे दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तुझसे प्यार होगा जस्मीन। अरे अब तू भी कुछ बोल दे, अब सारा कुछ मैं ही बोलता रहूं। I love you too. अब बजाओ ताली। तू बातें किसे करता रहता है? जस्मीन, I love you यार। I love you. I love you जस्मीन, I love you. And I love you. तुझे कितनी बार समझाया कि बोतल खटका के ढक्कन खोला कर, कभी कभी इंसान सेंटिमेंटल होता है, सुंदर सपने देख रहा था। मास्टर, आज मैं बहुत खुश हूं, आज सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पिंकी और जसमीत की दोनों की मैं गलतफहमी दूर कर दूंगा। बिलहाल अपने की शादी हो जाएगी। और तुम में सच बोलने की हिम्मत है? मैं पिंकी के पास ही जा रहा हूँ। पिंकी नहीं, जैस्मिन, मैं जैस्मिन की बात कर रहा हूँ। क्या वो जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है और तू सालसा क्यों सीख रहा था? जैस्मिन को पता है कि पिंकी ने उसे तेरे पास भेजा है, क्या वो जानती है कि तू कौन है?
मेरा प्यारा चकी। आई लव यू जी। लव यू जी। क्या हुआ, मूड ऑफ है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? असल में मेरी कोई स्पेनिश गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता था। उस दिन जब तुम पिंकी की मॉम के लिए पैसे रखने गई थी, मैं आंटी को मिलके आया था। तू पिंकी को जानता था? मैं पिंकी को जानता। असल में मैं पंजाब रहता हूँ और मेरा काम ही ये है। बिलाल का फोन आया हमें, मैं यहाँ इंग्लैंड आया हूँ क्योंकि बिलाल की शादी थी। मेरा काम था तुझे महल के अंदर लेके जाना। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसे मैंने सोचा था। फिर मुझे प्यार हो गया तेरे साथ। जस्मीन, मुझे पता है तुझे मेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, और प्लीज ऐसे चुप मत रह, चाहे मुझे गाली दे दे। अगर मेरी जान ही चाहिए थी तो प्यार का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? एक बार मेरी जान मांग के तो देखता। मैंने कौन सा ना कहना था? ये मेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। झूठ और धोखे में बहुत फर्क होता है जकी। मुझे माफ कर दो। Get out. जिसमें मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। Get out. बोलकर प्यार गवा दिया, इससे तो झूठ ही ठीक था। अब हो गई तसल्ली? बड़ी मुश्किल से मेरी जैस्मिन के होठों पर हंसी आनी शुरू हुई थी। तुझे कहा था ना, ये लड़का जैस्मिन के लिए ठीक नहीं है। असल में तो हम मरे हुए हैं, हम तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकते। चल बांध अपना बोरिया बिस्तर और चला जा पंजाब। जकी तू ठीक है? तू तो मेरे से बात मत कर। अच्छा भला मैंने सुमनाले से बुलाया तक कारोबार खड़ा कर लिया था। आशिकी के सारे गाने गा के मैं मुश्किल से रानी चुड़ैल को लाइन पे लेके आया था। अब प्यार हो गया मुझे बोल के जस्मीन के पीछे लगा दिया। अरे छोड़ के चली गई वो मुझे। तुझे पता था मुझे जिंदा लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। जब मैंने झूठ बोला था साल से फिर साल से, भंगड़े पे भंगड़े, सेल्फी पे सेल्फियां, अब जब मैंने सच बोल दिया तब जगह गेट लॉस्ट। ऐसे नहीं होता प्यार यार। पक्की बात है? जकी क्या है? फोन उठा। मेरा फोन मैं नहीं उठाऊंगा। मैं कहता हूं मेरे से बात मत कर।
हेलो भाईजान, भाई आप कहां पर हैं? आज मेरा निकाह है, हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई प्लीज हमें बता दो कि अंदर जाना है कि नहीं जाना है। भाईजान प्लीज हमें ये तो बता दो कि पिंकी जी अंदर है या बाहर निकल चुकी है। अरे बात सुन, कहाँ गया तेरा सरदार? मुझे तो लगता है तेरे निकाह से ज्यादा उसे अपनी शादी की फिक्र है। फूफा जी, ये कौन है? लो, अब नहीं होता निकाह, दुड़ैल ने तो अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया। भाईजान हमें तो आप अंदर जाने नहीं देते, और वो लड़की जिसके साथ आप भंगड़ा डाल रहे थे वो तो अंदर जा रही है। शायद मुझे इतना दुख हारने से नहीं हुआ था जितना तुम्हारी मौत से हुआ था। झूठी सफाइयां देनी बंद कर, तेरी वजह से मेरी जान गई है, तुझे भी जान तो देनी पड़ेगी। चल चले, वैसे भी हमारी इज्जत तो पानी में मिल गई। बेड़ा गर्क हो इस सरदार का। सरदार जी, दिशम, दिशम, दिशम। सरदार जी, देखो ठीक टाइम पे आ गए सरदार जी। आई नो यू वांट मी डेड। I'm ready, Pinky. जिंदगी से प्यार करने की कोई वजह भी तो नहीं बची मेरे पास। I'm ready, Pinky. हेलो, रुक जा, हट वहां से। बहुत जल्दी है तुझे मरने की। तुझे इस पर इतना रहम क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके यहाँ पे आने का जिम्मेदार मैं हूँ। पिंकी है यहाँ? तुम किसके साथ बातें कर रहे हो? इसके साथ तू बात कर रही थी, चुपचाप खड़ी रह। जग्गी, इसे मरने दो, इसने मेरी जान ली थी। अरे यार, वो ऊंचे सांस नहीं लेती, वो तेरी जान क्या ले लेगी? मैं सब कुछ पता करके आया हूँ। उस दिन इसने तुझे जानबूझकर धक्का नहीं दिया, तू गलती से गिर गई थी। प्लीज जग्गी, मुझे मर लेने दो, मेरे मरने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। खड़ी रह चुपचाप। पिंकी, मैंने सब कुछ पता किया, इसका दिल भी भूत चढ़े जैसे बिल्कुल साफ है। पिंकी प्लीज उसको माफ कर दे। देख, तेरे लिए उसने जिंदगी जीनी छोड़ दी, डांस छोड़ दिया। तो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है ना? सबसे ज्यादा प्यार करती है ना मम्मी से? तेरी मम्मी को खर्चा हर महीने ये भेजती है। क्या कहा? होगी माफी? चलो जी, होगी माफी, उसने माफ कर दिया तुझे। चलो जसमीन, पिंकी ने तुझे माफ कर दिया। मैंने इसे माफ नहीं किया, तू अपने आप ही माफी दे रहा है। ओ शुक्र है भगवान का, चलो जब भी डालो। मैं बोलता हूँ जब भी छोड़ो, शादी खत्म हो गई। जग्गी, इसने मेरी जान ली है, मैंने इसे माफ नहीं किया। हम सभी गलत मैं अभी दूर कर लेंगे। चलो 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 चलो।
मैंने सब पता कर लिया उस दिन क्या हुआ था। देखो यहाँ पे पिंकी थी, यहाँ पे जसमीन थी, जगी कहाँ था? तुम तो थे ही नहीं। बिल्कुल मैं था ही नहीं, तू चुपचाप खड़ी रह, मुझे कंफ्यूज मत कर। अगर मैं होता ना यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। मैं तुझे बताता हूँ उस दिन क्या हुआ होगा। जसमीन ये पिंकी, नहीं 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 पिंकी ये जसमीन, इस पिंकी ने जसमीन को धक्का मारा। अरे मार धक्का, तू पिंकी है और जसमीन ने पिंकी को धक्का मारा ऐसे। गिर गई। अरे मुझे पता है वो गिर गई थी, पर गलती से, उसका कोई कसूर नहीं था। जग्गी! अरे रुक जा, मुझे बात तो कर लेने दे। स्टूपिड जैस्मिन गिर गई, उसे जाके बचा ले। जग्गी! जग्गी, प्लीज मुझे बचा ले। मानी ना, मार मार दी ना चलन। जग्गी प्लीज मुझे बचा ले। अरे तुझे बहुत शौक चढ़ा था मरने का, है? तेरी हीरोइन बन रही थी तू। जग्गी, जग्गी अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे नहीं छोडूंगी। उल्टी सीधी लाइफ लाइन मत दे, मैं बचाऊंगा भी नहीं तुझे। बड़ी आई स्टाइल मारने वाली पकड़ा। चुड़ैल निकले ना निकले, पर लड़की की बाजी जरूर निकलेगी। जग्गी, पिंकी ने मुझे माफ तो कर दिया ना। अगर चुड़ैले भी जग्गी की बात मानने से इनकार करने लगी तो चल चुका कारोबार। आजा। ओह गॉड, इसे मरने मत देना जग्गी। बचा ही रहा हूँ, अब तुझे बहुत प्यार आ रहा है। अब तुम्हारी मासी की लड़की निकल आई है। अगर ये मर गई तो ये चुड़ैल बनकर फिर मेरे कॉलेज में आ जाएगी। जग्गी, फिर से हाथ छूट गया। यार तो मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। पहले तो बोलते इसको मरना पड़ेगा, अब बोलती है बचा लो। तुम दोनों मिलके मुझे मत बुरा बनाओ यार। जग्गी, जग्गी, भाईजान संभाल के। भाईजान, जग्गी, जग्गी मेरा हाथ छूट रहा है, मैं मरना नहीं चाहती। जसमीत मेरी बात मान, हाथ छोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा मरी जाएगी, मैं ढूंढ लूंगा तुझे यार। नहीं नहीं नहीं, जसमीत मेरा पैर बहुत दुख रहा है, ऊपर से ग्रिप भी कमजोर हो रही है। और तू उल्टी सीधी शक्ल मत बना, कोई शक्ति वक्ति का इस्तेमाल कर यार, वैसे बहुत बड़ी चुड़ैल बनी फिरती हो। बस बस इतना ही था, अब थोड़ा जोर तू लगा ले, मैं सब कुछ करूं। जग्गी, अरे रुक जा स्टाइलो। जग्गी मेरा हाथ छूट रहा है। भाईजान संभाल के। ट्राई करो ऊपर आने की। जग्गी मेरा हाथ पकड़ लो। भाई जसमीत पिंकी, मैं तो चला। ओ बिलाल सुन ले, मैं भी मरने जा रहा हूँ। क्या कहा भाईजान? बिलाल से 4-5 लाख पाउंड लेकर ही महल का कब्जा छोड़ना, थोड़े से पाउंड गांव में चुंडी को भेज देना, मेरे बिना तो वो भूखा ही मर जाएगा। थोड़े से पाउंड गांव के गुरुद्वारे की सेवा के लिए भेज देना। जग्गी, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो, ऊपर आ जाओ। जग्गी, दो पकड़ी ली थी मैंने, अभी बांधना भी शुरू नहीं किया था, वो भी किसी को दे देना जरूरतमंद को। इजिट कुछ नहीं होगा इसे खींच। हाथ 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 पकड़ो, हाथ पकड़ो प्लीज। जग्गी प्लीज दो, तेरी सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाथ दे, हाथ दे। रो क्यों रही है, बच गया हूं मैं। सॉरी, आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाला था ना, मैं ही काम आया हूं तेरे। स्टेलो सी। माफ तो कर दिया ना।
पिताजी। यस। सदार जी आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? सदार जी ने मिशन पूरा कर लिया है? सदार जी ने अपना वादा पूरा किया। ये सदार जी, सदार जी प्लीज बताइए, सदार जी आप ही कुछ बताइए ना। सदार जी आपने इतना बड़ा मिशन कंप्लीट किया, आपने इतना बड़ा मिशन कैसे किया सरदार जी, बताइए ना। सदार जी कुछ तो बताइए प्लीज, मैं भी समझ। प्लीज सदार जी प्लीज बताइए, बोलिए सदार जी, बोलिए सरदार जी, बोलिए सदार जी, आपने कैसे किया, बोलिए आपने कैसे किया, बोलिए सरदार जी, बोलिए सदार जी, प्लीज बोलिए, कुछ तो बोलिए सरदार जी, कुछ तो बोलिए सरदार जी, प्लीज से समथिंग सरदार जी, कुछ बोलिए। पिंकी, 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 हेलो पिंकी, तू यहां क्या कर रहा है? जा यहां से। चला जाऊंगा, जी भर के देख तो लू, फिर पता नहीं इंग्लैंड आना होगा या ना होगा। तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तू जा क्यों नहीं रहा? क्यों इतना ड्रामा कर रहा है? तू क्यों ड्रामे कर रही है? तू क्यों नहीं बताती अपने दिल की बात? मेरे दिल में कोई बात नहीं और मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। अगर भूत चुड़ैलों की बात ना समझ सका जगी तो चल पड़ा मेरा कारोबार। तेरे लिए भूत और चुड़ैले कारोबार ही है ना, इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं। तुझे किसी की फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं, तुझे बस मिल गया जो तुझे चाहिए था। बस नाम की चुड़ैल है, हरकतें सारी अंदा लड़कियों जैसी है, बस कोल मोल बातें करती रहना, सीधा मत बोलना कि जगी मेरा दिल करता है समरा ले जाने को। तू कौन सा साथ ले जाएगा? शुरू से इतना है या चुड़ैल बन के बढ़ गया? Shut up! कम कर ले, गांव में बहुत काम करना है तुझे। Very funny. चुप चुप। Photographs. ओए, असमत। सरदार जी अंदर क्या हुआ? प्लीज हमें बताइए। प्लीज टेल अस सरदार जी। Exercise the ghost. Everything is under control. Clear, clear. Everything is clear. Just waiting for the arrival of your highness. Sardar ji has done it. Hey! Ladies and gentlemen, Her Royal Highness. Highness. Sat Sri Akal, Sardar ji. Sat Sri Akal Taji. Young man, you saved our honor. Is there anything I can do for you? Anything? Anything? Anything means anything. Long time ago, you took one thing from us. Return it. Mm-hmm. Oh, really? What is it? The Kohinoor. Oh. अच्छा ताई सोचो फिर. और फिर इच्छित? नहीं भाई साहब, धर्मेंद्र बख्श, आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। चल भाई, यहाँ पे मुंह छिपाकर खड़ा है, वहां पे भगड़ा पुगड़ा पा घर का जवाई है तू। जक्की जी आपने तो कर दिया। भाभी बातें आज भी अजीब करती है। बात है सदके जावा रानी के। दूध मैंने ज्यादा गर्म नहीं किया,
मैंने सोचा स्टील के गिलास में कहीं हमारी होठ ना चल जाए दोनों की, ले पहले आ था तू पी ले। मेरा सब्र थोड़ा कच्चा सा ही है, अगर एक बार शुरू हो जाऊं तो मुझसे रुका नहीं जाता। चुंडी ने इसको यहाँ क्यों रख दिया यार, बड़ा इंटीरियर डेकोरेटर बना हुआ है। टिंग टिंग। सो स्वीट। पियो पियो, जी भर के दूध पियो। अब मेरा ख्याल क्यों आएगा, इंग्लैंड में तो बहुत मेरे आगे पीछे घूमता था, कभी बर्थडे सेलिब्रेशन, कभी पैनकेक्स, पैनकाइज। हाँ यार, अब इंसान अपनी घर गृहस्थी ना बसाए, सारी उम्र भूत आश की करता रहूंगा मैं। कुछ कहा क्या? मैंने पीना है आधा दूध, छोड़ देना। शर्म तो नहीं आती ना यार? नहीं आती शर्म, शर्म आएगा, मैं कुछ वाला हूँ, मैं दूल्हा हूँ। जगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। चांद तारों की लोहे इश्क की बात है, धीरे धीरे कह रहा हूँ, धीरे ही समझ आएगी ना। अच्छा तू जाना। क्यों जाऊँ, यहीं बैठूंगी। जगी मेरा घूंघट तो उठाओ। रुक जा जस्मीन, कोरे उठाता हूँ। सारी रात पड़ी है अभी। मैं तुझे सुबह सारा गांव घुमाऊंगा। नहीं मुझे ना बहुत होमसिक फील हो रहा है, तू मेरे साथ बातें कर। Every night is my dream, I see you, I feel you. पक्की बात है? पक्की बात है। जस्मीन, 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 पक्की बात है? पिंकी भुगे? मत्थे ते चमकण वा मेरे बनड़े दे, मत्थे ते